स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चोपड़ा एजुकेशन में और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में डॉक्टर की अच्छी सैलरी, अच्छी फैसिलिटी के साथ साथ अच्छा मान सम्मान भी मिलता है। इन सब के साथ साथ एक गर्व वाली बात यह होती है कि मिलिट्री में देश सेवा करने का मौका मिलता है। देशभक्ति का जज्बा रखने वाले सैनिकों का जब एक सेना का डॉक्टर इलाज करता है तो उस डॉक्टर को गर्व महसूस होता है। जब इतने सारे देशभक्तों की सलामती की दुआएं पूरा देश करता है और जब इन जाबाज सैनिकों का इलाज करने का मौका मिलता है तो कोई भी डॉक्टर फूले नहीं समाता। अगर आपका सपना भी सेना में डॉक्टर बनकर जाबाज सैनिकों की सेवा करने का है तो आप सेना में दो तरह से डॉक्टर बन सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से MBBS पास करने के बाद, इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद, आर्मी द्वारा डॉक्टर के लिए निकाली गई वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करके उसमें न्यू रिक्रूटमेंट के थ्रू आप सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए आर्मी द्वारा फिजिकल और रिटन टेस्ट लेकर मेरिट के अनुसार सिलेक्शन किया जाता है। सेलेक्ट होने के बाद आपको फिजिकल ट्रेनिंग करवाकर डायरेक्ट कैप्टन रैंक पर डॉक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है। दूसरा तरीका यह है कि नीट क्वालिफाई करने के बाद AFMC द्वारा MBBS करवाया जाता है और डायरेक्ट कैप्टन रैंक पर डॉक्टर अपॉइंट किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि AFMC में कितनी सीट्स हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और नीट 2019 में इसकी कट ऑफ क्या रही थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर भी करें। तो दोस्तों, AFMC का मतलब आर्मर्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज है और ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है और ये महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एफिलेटेड है और MCI से अंडर ग्रेजुएट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए रिकॉग्नाइज्ड है। इसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्स 1 मई 1948 से जबकि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स 4 अगस्त 1962 से कंडक्ट हो रहे हैं और इसकी गिनती इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस में आती है। अभी हम देखें इसमें टोटल सीट्स कितनी हैं। तो दोस्तों, इसमें टोटल 150 सीट्स हैं। इसमें 5 सीटें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा भरी जाती हैं जो स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए होती हैं। इसमें कोलैबोरेशन प्रोग्राम के अंडर ये पोस्टें भरी जाती हैं। इसके बाद में जो 145 सीटें बचती हैं उनमें 115 बॉयज के लिए रिजर्व हैं और 30 सीटें गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड हैं। इसमें इसके बाद में 10 सीट से SC ST कैंडिडेट के लिए इसी 145 सीट में से रिजर्व्ड हैं। अभी इसमें एडमिशन कैसे लें? दोस्तों, AFMC में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट 2020 का एग्जाम देना होगा। नीट 2020 का एग्जाम का रिजल्ट आ जाने के बाद 10 से 15 जून के आसपास MCC के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं। वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप MCC का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आपने AFMC के लिए अप्लाई करना है तो आपने AFMC के चेक बॉक्स पर चेक कर देना है। उसके बाद MCC की वेबसाइट पर जितने भी कैंडिडेट AFMC के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, MCC उनकी एक सेपरेट लिस्ट AFMC को भेज देती है। MCC का काम बस इतना ही होता है, बाकी टोटल एडमिशन प्रोसेस AFMC द्वारा किया जाता है और AFMC द्वारा ये लिस्ट अपने वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दी जाती है। इस लिस्ट में AFMC द्वारा स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए टोटल 1750 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं जिनमें 1170 बॉयज होते हैं और 580 गर्ल्स कैंडिडेट होते हैं। यह शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट 20 जून के नियर बाई AFMC की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है और इनका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अभी हम यहाँ ये जाने कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों, यह एक CBT एग्जाम होता है जो AFMC द्वारा लिया जाता है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिक एंड रीजनिंग का टेस्ट होता है जिसमें टोटल 40 MCQs होते हैं और ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है।
इसमें जो प्रक्रिया है वो 80 मार्क्स का एग्जाम होता है और इसमें 0.5 नेगेटिव मार्किंग होता है। इस स्क्रीनिंग टेस्ट का ड्यूरेशन टोटल 30 मिनट्स का होता है और ये स्क्रीनिंग टेस्ट का स्कोर नीट स्कोर में जोड़ दिया जाता है। यानी 720 का नीट का पेपर होता है और 80 मार्क्स का ये स्क्रीनिंग टेस्ट एएफएमसी द्वारा लिया जाता है, तो ये टोटल बन के 800 मार्क्स का पेपर कर दिया जाता है। इस 800 मार्क्स में जितना स्कोर कैंडिडेट ने किया है, जो नीट में किया है और स्क्रीनिंग टेस्ट में किया है, इनको जोड़ के 4 से डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि ये टोटल पेपर 200 का बना जा दिया जाता है नीट और स्क्रीनिंग टेस्ट को मिला के। इन 200 में से जितना स्टूडेंट स्कोर गेन करता है उसमें इसको फाइनल स्कोर कहा जाता है। इसके बाद में 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और ये 50 मार्क्स का इंटरव्यू इस फाइनल मार्क्स में जोड़ के मेरिट निकाली जाती है। ये तो ये एक स्कोर बना लिया जाता है फाइनल स्कोर का और इंटरव्यू का। तो इस प्रकार से इनसे मेरिट निकाली जाती है और मेरिट के अनुसार एएफएमसी में सिलेक्शन होता है। अब मैं आपको इसकी बाकी कंडीशनें भी बता देता हूँ। अगर आप एएफएमसी से एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेते हैं तो आपको सेना में कमीशन्ड ऑफिसर के पद पर सर्विस करना अनिवार्य है। इसमें आपको कौन से कमीशन्ड में सर्विस मिलेगी ये वैकेंसी और आपके एमबीबीएस के फाइनल ईयर के एग्जाम के स्कोर के मेरिट बेस पर डिसाइड किया जाता है। इसमें एडमिशन के टाइम पर पेरेंट्स गार्जियन से एक बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है कि अगर एडमिशन के 7 दिन बाद कोई स्टूडेंट सीट छोड़ता है तो उसे 30 लाख रुपए पे करने होंगे। अब हम बात करें कि सेना में डॉक्टर की सैलरी क्या होती है, तो इसमें अलग अलग रैंक वाइज सैलरी दी हुई है। कैडिट से यानी कि स्टूडेंट से लेफ्टिनेंट में ऑन कमीशनिंग ये 57,800 फर्स्ट सैलरी है, लेकिन ये अभी बढ़ा के 96,000 कर रखी है। यानी कि स्टार्टिंग सैलरी 96,000 रुपीज़ मिलती है इसमें लेफ्टिनेंट, अगर आप कैडिट से लेफ्टिनेंट बनते हैं तो। इसके बाद में इसमें पे स्केल दे रखा है, तो ये पे स्केल पुराना है, इसमें 96,000 से स्टार्टिंग पे है। इसके बाद में इसमें आगे जो दे रखा है वो इसमें मेडिकल के बारे में दे रखा है कि आपको मेडिकल फिट होना जरूरी है, फिजिकल फिट होना जरूरी है। इसमें हाइट का भी दे रखा है, बॉयज़ के लिए अलग है और गर्ल्स के लिए अलग है। बॉयज़ के लिए 157 हाइट होनी चाहिए, 157 cm हाइट होनी चाहिए। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनके लिए 152 cm हाइट होनी चाहिए। इसके बाद में गर्ल्स के लिए 152 है और नॉर्थ ईस्ट के लिए है वो 147 cm है। इसमें मिनिमम डेंटल का 14 डेंटल पॉइंट्स इसमें एसेंशियल होना चाहिए और इसमें जो विजुअल का है ये आप देख सकते हैं, ये कंडीशन है इसकी। इसके बाद में स्पीच टेस्ट वगैरह, हियरिंग टेस्ट वगैरह ये सारे होते हैं इसमें। और इसमें वेट आपका हाइट के मुताबिक कितना होना चाहिए, जैसे आपके 150 cm हाइट है तो मिनिमम वेट 39 kg होना चाहिए। अगर आपकी बिलो 20 ईयर्स है तो मैक्सिमम 47 होना चाहिए और अगर आपकी एज 20 ईयर्स से अबव है तो 52 kg होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें ये टेबल दे रखी है, तो इस प्रकार से आप हाइट और वेट इसमें देख सकते हैं कितनी हाइट और कितना वेट होना चाहिए। अब हम बात करें कि नीट 2019 में इसमें कट ऑफ क्या रही थी। तो दोस्तों कट ऑफ देखने के लिए आपको fmc.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा। इसमें जाने के बाद रिसेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस लिखा है, इसमें आगे लिखा हुआ है कि ये इसमें दिया हुआ है आगे नॉमिनल रोल 2019 एडमिटेड स्टूडेंट रैंक वाइज। इस पर आपने क्लिक करके इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 145 कैंडिडेट कौन कौन सी रैंक, कितने कितने मार्क्स, इसमें मार्क्स भी दिए हुए हैं और रैंक भी दी हुई है। तो इसमें लास्ट कट ऑफ 597 मार्क्स रही है।
तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि 597 के ऊपर के स्टूडेंट का सभी का एडमिशन हो गया, क्योंकि इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट लेने के बाद में जो स्कोर बनता है उस पे मेरिट निकाली जाती है। तो इसमें 597 वाले स्टूडेंट का भी एडमिशन हो गया, जबकि किसी किसी जैसे 610 है उस स्टूडेंट का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये डिपेंड करता है स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के फाइनल रिजल्ट पर, उससे मेरिट निकाली जाती है। तो इसकी जो नीट की कट ऑफ रही है वो 597 मार्क्स रही है इसमें। तो दोस्तों ये जानकारी थी एएफएमसी में एडमिशन कैसे लें, 2019 में इसकी कट ऑफ क्या रही थी और इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, पे सैलरी क्या होती है इनकी, इन सब के बारे में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस कर दें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।